अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा उमर। आज 21 मार्च है और इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनके फिगर्स रैपिडली राइज कर रहे हैं। देर आर नॉट मेनी टेस्टिंग किट्स इन द कंट्री, देर इज अ स्टेट ऑफ पैनिक एवरीवेयर। आई थिंक हमने सिचुएशन की ग्रेविटी को कुछ दिन पहले तक सीरियसली नहीं लिया था, एंड इन द लास्ट 2-3 डेज वी हैव फुली अंडरस्टूड कि ये वायरस कितना डेंजरस है, कितनी तेजी से फैल रहा है। हम दुनिया में देख रहे थे पिछले चंद हफ्तों में कि क्या हो रहा है, बट जब तक इट डजेंट कम इन टू योर ओन जोन, जब तक आपके इर्द गिर्द आपके करीबी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करना शुरू हो जाता, आई थिंक पीपल हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट सीरियसली। इस टाइम पे व्हाट आर द फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू? नंबर वन, सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत ज्यादा इस पे बात हो रही है, आई एम श्योर यू हैव सीन hundreds and hundreds of videos and articles and you know, on the news you must have seen ke social isolation, distancing practice kare. Please, let's take this seriously. Dyanatdari se, honestly, in a cooperative way, social distancing ko ikhtiyar kare. Stay at home, apne gharon mein rahe, apne aap ko dusre logon se dur rakhe. हम हेल्थी हो सकते हैं, वी कुड बी स्ट्रांग इनफ टू फाइट दिस वायरस। शायद हमें सिम्टम्स ना भी हो। मैं अपनी और अपनी जनरेशन के लोगों की बात कर रही हूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है दी एल्डरली, किड्स, जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, उनके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। अपने लिए नहीं सिर्फ करनी, वी हैव टू सेव ourselves एंड वी हैव टू सेव अदर पीपल। सो दिस इज द नंबर वन थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे टू कंटेन दिस ग्लोबल क्राइसिस, दिस पैंडेमिक, नॉट जस्ट एज अ नेशन बल्कि एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस। हमें पूरी ह्यूमन रेस को इस ग्लोबल पैंडेमिक से, इस क्राइसिस से लड़ना है। सो सोशल डिस्टेंसिंग इज समथिंग दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। उसके अलावा योर हाइजीन प्रैक्टिसेस, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, 20 सेकेंड्स, यू नो द रूटीन। अपनी जो सराउंडिंग एरियाज हैं, अपना घर, अपनी अपने दरवाजे, जो भी सर्फेसिस जिनको आप टच करते हैं, जो ग्रोसरीज और सामान आप अपने घर के अंदर ला रहे हैं, कीप डिसइंफेक्टिंग देम ऑल द टाइम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन बिल्ड योर इम्यूनिटी। Like I said, जो लोग strong हैं वो इस virus को एक और normal virus की तरह fight कर सकते हैं। शायद उनको symptoms हो, शायद ना हो, शायद mild हो, शायद थोड़े से severe हो, but if you are strong, you can fight this. कुछ ही देर पहले मैंने एक blog है वोमनिस्तान, उस पर I went live and I shared a lot of my immunity and health tips. और मैं कल भी लाइव जाऊंगी अपनी फेसबुक से, एंड आई वांट टू शेयर विद यू ऑल दोज थिंग्स दैट आई एम डूइंग टू बिल्ड माय इम्यूनिटी व्हाइल आई एम इन सोशल आइसोलेशन इन माय हाउस। उसके अलावा आप अपने हाउस होल्ड स्टाफ को घर जाने दें, मेक देम गिव देम पेड लीव। आप उनको सप्लाईज दें जितनी दे सकते हैं ताकि वो अपने घर जाएं और वो अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचा सकें। सो सेंड योर स्टाफ होम एंड टेक केयर ऑफ योर हाउस योर सेल्फ। आप अपने घर के काम खुद करना शुरू करें, स्पेंड टाइम विद योर इमीडिएट फैमिली जिनसे आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। इट्स वेरी इजी टू वॉच द न्यूज ऑल डे, इट्स वेरी इजी टू बी यू नो लुकिंग एट 100 आर्टिकल्स, रीडिंग आर्टिकल्स, वॉचिंग स्टफ ऑन सोशल मीडिया। वो जरूर करें, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, अपने आप को अवेयर रखें। यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, बट लिमिट योर टाइम। There's a fine line between, you know, going really, really obsessive about this. So, aap apni anxiety aur apne stress ko control kare, calm down, relax, deal with this in a very level-headed way. Kyunki, as predicted, 70% of humanity ko is saal ke andar ye virus infect karega. So, jo hona hai, wo hona hai, lekin apne aap ko bachana hai as best as we can. Keep your anxiety and your stress levels down. Stop hoarding things. जितनी लोग एकदम से जाके स्टॉक अप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आइसोलेशन में जाना है तो लोगों को लग रहा है कि महीनों का स्टॉक लेके रख लें, डोंट डू दैट, स्टॉक विल कम अगेन। उतनी चीजें लें कि आप 3-4 हफ्तों के लिए अगर आइसोलेशन में जा रहे हैं
तो आप वो 3-4 हफ्तों के लिए अपने आप को सस्टेन कर सकें, या जस्ट अ वीक, बिकॉज यू कैन गो आउट एंड बाय ग्रोसरीज अगेन. वो दुकानें बंद नहीं हो रही. सो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपकी फार्मेसीज और आपके ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो रहे हैं. सो डोंट होर्ड, बिकॉज सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जाके बल्क बाइंग करें. जो लोग डेली वेजेस पे हैं उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें. डोनेट, सेंड राशन बैग्स टू पीपल. इफ यू कांट डू इट योरसेल्फ फिजिकली, तो बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे ये कर रहे हैं. उनको ढूंढें अपने सोशल मीडिया के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ढूंढें. बहुत सारे लोग इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं. सो सेंड देम द मनी. आपके मीन्स में जो कुछ है आप वो करें. राइट नाउ इज द टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी एज मच एज यू कैन विदाउट बींग फिजिकली इन टच विद एनी वन. और इसके अलावा हैव फेथ. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू हैव फेथ. गो इनवर्ड्स, मेडिटेट, कनेक्ट विद योर क्रिएटर. जितनी आप दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, करें. लेकिन उसके साथ एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना कि अल्लाह मालिक है, देखेंगे, जो होना है वो होना है. आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी हेल्थी एटीट्यूड. बिल्कुल एवरीथिंग इज अप टू आवर क्रिएटर. सब कुछ अल्लाह ही चला रहा है. लेकिन अपनी जितने मींस के अंदर आप चीजें कर सकते हैं वो करें, विच आई हैव जस्ट लिस्टेड. एंड स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन. डू नॉट स्प्रेड हेट. डू नॉट नेम एंड शेम एंड ब्लेम अदर पीपल. क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका हम में से किसी को ना आइडिया था, ना हमें पता है कि इसको फेस कैसे करना है. सो यू नो, वी आर ऑल न्यू टू दिस. वी आर ऑल डीलिंग विद दिस राइट नाउ. हम सबके मुख्तलिफ अलग अलग वेज हैं ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, ऑफ डीलिंग विद एंग्जाइटी. हेल्प ईच अदर. इफ यू सी समवन पैनिकिंग एंड स्ट्रेसिंग, इफ यू सी समवन यू नो क्रॉसिंग द लाइन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्लीज ट्राई एंड हेल्प देम एंड पॉइंट इट आउट टू देम. स्प्रेड अवेयरनेस. Be socially responsible. If you find out about someone who's infected, आप जरूर inform करें लोगों को, लेकिन उनको shame ना करें. अगर आपको symptoms हो रहे हैं, tell your friends, tell people around you, tell the people that you've met in the last couple of weeks. Tell them, they need to know. These are the ways that you can help yourself and the entire nation and the entire human race right now. The entire human race. So, sending out love and prayers to all those people who are affected, whose families are affected in any way. Our hearts are with you. We're all in this together. And I hope that we're able to, humanity is able to fight this crisis and this global pandemic right now with faith, with determination, with honesty, and with love. Lots of love to you all.